गाइज, आज के हम बात करने वाले हैं कि इन विंटर्स में ना आप अपने ऑयली स्किन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और यार, ये जो विंटर्स होती है ना, मतलब इस विंटर्स में जो ऑयली स्किन वाले बंदे ना वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। मतलब सिर्फ विंटर ही नहीं, जो ऑयली स्किन वाले बंदे होते हैं वो मैक्सिमम सीजन में परेशान रहते हैं, चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो। तो मतलब मेरी भी जो स्किन है वो ऑयली है और मैं भी काफी परेशान रहता हूँ, बट मैं अपने जो स्किन का ऑयल है ना उसको काफी कंट्रोल रखता हूँ, जिससे कि मतलब मैं कम परेशान होता हूँ। तो कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप यूज करते हो तो इससे आपके जो विंटर्स में ना आपकी जो ऑयल है ना वो काफी कंट्रोल रहेंगे और आपकी जो ऑयली स्किन है वो नहीं होगी। और विंटर्स में ना आपकी जो स्किन है वो काफी डल हो जाती है, वो काफी मतलब अनहेल्दी से हो जाती है। तो हर चीज हम इस वीडियो में फिक्स करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट देखते रहना। बाय द वे, इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज साहिल एंड आई एम हियर टू टीच अबाउट मैन फैशन एंड ग्रूमिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हम बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अवॉइड हॉट वाटर्स। अब यार, इन विंटर्स में ना काफी सारे जो बंदे हैं वो हॉट वाटर से नहाते हैं, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब यार, यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप हॉट वाटर से नहाते हो, जो हमारे हॉट वाटर होते हैं ना वो हमारी स्किन को काफी ड्राई कर देते हैं और हमारे जितने भी नेचुरल ऑयल होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। अब जितनी बार आपको जो नेचुरल ऑयल है वो रिमूव होगा तो इससे हमारी जो स्किन है ना उसको लगेगा कि हमारी जो स्किन है वो काफी ड्राई होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी स्किन पर और भी बहुत सारा जो ऑयल है ना वो प्रोड्यूस होगा और जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली लगेगी। तो आपको कभी भी जो वार्म वाटर से अपने फेस को वॉश नहीं करना, ना आपको वार्म वाटर से नहाना है। आप ल्यूक वार्म वाटर जो है ना वो आप ले सकते हो। ल्यूक वार्म वाटर से क्या होता है कि इससे आपकी जो डर्ट वगैरह ना वो क्लीन हो जाएंगे और प्लस ये आपको काफी रिफ्रेशिंग फील भी कराएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वो है पिक राइट मॉइस्चराइजर। अब यार, यहाँ पर एक ना बहुत बड़ा मिथ होता है, काफी सारे बंदे सोचते हैं ना कि यार हमारी जो स्किन है ना वो तो ऑयली है तो इसके ऊपर हमको मॉइस्चराइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो मॉइस्चराइजर है ना वो अपनी स्किन पर लगाना काफी जरूरी है, चाहे आपकी स्किन टाइप कोई सी भी हो। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई हम मॉइस्चराइजर है ना वो कौन सा यूज करें। तो आप जब भी कोई मॉइस्चराइजर यूज करते हो तो अगर आपकी जो स्किन है वो ऑयली है तो आपको हमेशा जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर है वो यूज करना है, बट यहाँ पर आपको ऑयली स्किन पर मॉइस्चराइजर यूज करना काफी जरूरी है। इससे जो हमारा ऑयल है वो काफी कंट्रोल रहेगा और आपकी जो स्किन है वो काफी अच्छी रहेगी। थर्ड हमारे पास है वो है सनस्क्रीन। अब यार, आपको जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई करना काफी जरूरी है। अब यहाँ पर आपको वेदर को बिल्कुल भी नहीं देखना कि आज क्लाउडी वेदर है तो हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो विंटर की जो रेज होती है ना, सन रेज होती है वो काफी हार्श होती है, जिससे कि आपकी जो स्किन वगैरह वो काफी डैमेज हो सकती है और जिससे आपकी जो ऑयल है वो बहुत आ सकता है और आपकी जो स्किन वगैरह वो डल भी हो सकती है। तो वेदर कोई सा भी हो, आपको जो सनस्क्रीन है वो अप्लाई करना काफी इंपॉर्टेंट है और जो यूवी रेज होती है ना वो हमारी क्लाउडी वेदर में भी आ सकती है, जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमारे पास है फेस वॉश। अब यार, आपको ना एक ऐसे फेस वॉश की जरूरत है जो कि आपकी ऑयली स्किन को कंट्रोल करे और जो ऑयल है वो ज्यादा ना आने दे। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो मामा अर्थ का चारकोल फेस वॉश। और ये जो फेस वॉश है ना वो काफी सही है आपके लिए। ये जो फेस वॉश है ना उसका मेन काम यही है कि आपकी स्किन पर से ऑयल को काफी कंट्रोल करता है। इस फेस वॉश में पैराबेन और SLS बिल्कुल भी नहीं है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है और प्लस ये जो फेस वॉश है ना वो स्पेशली ऑयली स्किन वाले बंदों के लिए है और इसमें हार्मफुल केमिकल बिल्कुल भी नहीं है जो कि आपकी स्किन को डैमेज करे। बात करें इसकी मेन इंग्रेडिएंट की, यहाँ पर आपको एक्टिवेटेड चारकोल और कॉफी मिल जाती है। और यहाँ पर अगर ऑयल इंग्रेडिएंट अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको वीडियो को डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और प्राइस की जहां तक बात है तो हम वीडियो के लास्ट में जो प्राइस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फेस मास्क, जो कि विंटर में ना आपकी स्किन को काफी हेल्दी रखे, उसको ग्लोइंग करे और ऑयल कंट्रोल करके रखे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप यूज कर सकते हो मामा अर्थ का C3 चारकोल फेस मास्क। और ये जो फेस मास्क है ना वो चारकोल फेस मास्क है और ये आपकी स्किन को ना काफी हेल्दी रखता है। इसका जो मेन काम है वो यही है कि आपकी स्किन को काफी हेल्दी रखता है और प्लस ये ग्लोइंग बना के रखता है और विंटर में आपकी जो स्किन है ना वो डल हो जाती है तो उससे भी काफी प्रोटेक्ट करता है। और इसमें पैराबिन और सिलिकॉन नहीं है और ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और बात करें इसकी मेन इंग्रेडिएंट की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है चारकोल, कॉफी और क्ले। और यहाँ पर अगर ऑल इंग्रेडिएंट की बात करें तो आपको डिस्प्ले पर शो होंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। और बात करें इसको आपको यूज कैसे करना है, तो जस्ट आप जैसे फेस मास्क अप्लाई करते हो वैसे आपको उसको अप्लाई करना है। और इसके बॉक्स में आपको अप्लाई करने के लिए स्पून वगैरह मिल जाता है, अगर आप चाहो तो उससे अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो आप फिंगर से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जस्ट जैसे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ वैसे इसको अप्लाई करना है आपको। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब ये सूख जाए तो फिर आपको उसको रब करके इसको रिमूव करना है। जैसे यहाँ पर आपको फिंगर से इसको रब करना है, उसके बाद उसको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और उसके बाद अगर आप चाहो तो कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह तो उसको अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करें इसकी प्राइस की, तो यहाँ पर जो फेस वॉश का प्राइस है वो है 249 रुपीज और यहाँ पर जो फेस मास्क का प्राइस है वो है 599 रुपीज। अब यहाँ पर बात आती है हमेशा की तरह, भाई थोड़ा सा डिस्काउंट जो है ना वो करवा दो। तो जस्ट आपको क्या करना है कि हमेशा की तरह जो आपके भाई का कूपन कोड है वो आपको यूज करना है SWASH2021। और ये जो कोड है अगर आप यूज करते हो mamaearth.in पे तो वहां पर आपको इंस्टेंटली 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप हैप्पी होगी जो प्रोडक्ट है ना मामा अर्थ के बाय कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो बाय करना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये जो प्रोडक्ट है वो आप बाय कर सकते हो ऑफिशियल mamaearth.in पे, अमेजोन पे, नायका पे और पर्पल पे।
और मामाअर्थ के जितने जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो सारे नेचुरल होते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं होता। और मामाअर्थ की जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि मामाअर्थ इंडियन ब्रांड है और ये प्लस प्लास्टिक पॉजिटिव भी है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसमें। और अगर आप चाहो तो इसका जो न्यूली ऐप जो है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऐप में एक्स्ट्रा सेल्स और डिस्काउंट वगैरह आते रहते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये थी वीडियो जिसकी वजह से आप अपनी जो ऑयली स्किन है उसको कंट्रोल कर सकते हो इन विंटर्स में, और आपकी जो स्किन है वो अगर डल हो जाती है इन विंटर्स में तब उससे भी काफ़ी आप बच सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना, और इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे मैं कई सारी फोटोज जाकर आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो बस हम लोग एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।